अब तो आप खुश हो, भट्टे पे मैं गया, इंटू का पता करके आ गया, तो इंटे हैं तो बहुत महंगी। तो हम भी पहुंच गए हैं भट्टे पे, इधर से जो है चलते हैं, ईंटे देखते हैं, अच्छे ईंटे मिलेंगे। अब वो भी लगा रहे हैं इन पिलरों को पानी, जो अभी न्यू न्यू तैयार हुए हैं, ये जो है पिलर पे पानी लगाने थे ना जो। आज हमजा बहुत खुश नजर आ रहा है और उसने पकड़ा हुआ है गुलेरी। हमजा इसको कैसे पकड़ा तूने? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली के साथ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशगुरू होंगे, मजे में होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी रूटीन होगी तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, फुल वॉच करें। सुबह का मौसम और नज़ारा, व्यू माशाल्लाह, गांव का कितना अच्छा, कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त है। आज तो गांव की सुबह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही रंगीन है। वो इस तरह के आप देखें, हवा को देखें, हवा को माशाल्लाह देखें, कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। ये देखें खजूर के दरख्त को देखें और बेरी के दरख्त को देखें, बहुत ही तेज़ हवा। ये सुबह का मौसम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल से हवा चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और बहुत ही इंजॉय हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। वरना 3-4 दिन तो इतनी गर्मी शदीद पड़ी थी कि बुरा हाल हो गया था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अब मौसम बेहतरीन हो गया है। और देखें ये देखें किस तरह प्यारे प्यारे पौधे। सुबह का नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है, बन रहे हैं कुछ पराठे वहाँ पे बने हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में आखिरी पराठा है, तो ये आखिरी पराठा है। तो चाय भी बन चुकी है, तो अभी हम करते हैं नाश्ता चाय और पराठे के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं भट्टे पे, वहाँ से जाके ईंटों का पता करते हैं। और अम्मी जो है जीत गए हैं, अबू हार गए हैं। जीत गई अम्मी, हार गए अबू। आपको पहले बोला था हार जैसे वो नहीं थे पुराने ज़माने में, जीत गए इंग्लिश, हार गई महंगाई। इसी तरह क्या तो अभी भट्टे पे जा रहे हैं ना ईंटों का पता करने। हाँ देखते हैं, अभी चलते हैं भट्टे पे। अब मेरे ऊपर बरस पड़े, क्या करेंगे यार, यूट्यूब फैमिली में भी बरस पड़ी, सब बरस पड़े। चलो देखते हैं कि जितना काम हो करवाएंगे जी, इंशाल्लाह जितना होगा उतना। हाँ तो चलते हैं अभी। तो अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं भट्टे पे, और भट्टे पे जाके लेनी है ईंटे। और यहाँ का व्यू देखिए सड़क के साथ, कितना घने घने दरख्त और कितनी अच्छी घर और कैसे प्यारे लग रहे हैं दरख्त। ये देखिए सुहागने के भी है, और ये सुहागने दरख्त बहुत सारे हैं सुहागने के। अभी हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं और सुहेल जा रहे हैं पैदल, और हमजा का अबू गया हुआ है बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए। शुक्र है कि दुकान जहाँ है ना पेट्रोल वाली, वहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर आगे कहीं होता तो फिर हमारी वाट लग जाती, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है, बहुत तेज़। ऊपर देखिए कितना तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और 12 का टाइम है, तो अभी भी हमारा बुरा हाल हो गया। हाँ सुहेल सुनाओ, ये तो कपड़े भी मोटे हैं, गीले हो गए। हाँ ये सर्दी लग रही है, फैसते हैं, सर्दी लग रही है, नहीं गर्मी लग रही है आपको? सर्दी लग, मुझे लग रही है ना, मुझे बहुत सर्दी लगी है, सर्दी से मुझे पसीना आ गया है। हाँ तो अभी पता नहीं, अभी तक नहीं यार मेरे ख्याल में हुई है। भाई वो उसके साथ गप्पे लगा रहा है आराम से, वो उसके साथ गप्पे लगा रहा है और हम इधर गर्मी में मर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगा। ये बंदा भी बहुत ढीला है, पेट्रोल नहीं डलवाता, मोटरसाइकिल लेके जाता है पेट्रोल डलवाता नहीं है, और जब हम लेके आते हैं तो पेट्रोल, पता क्या करें। तो देखें अभी हम चलते जा रहे हैं कब तक आता है। तो हम भी पहुँच गए हैं भट्टे पे, इधर से जो है चलते हैं, ईंटे देखते हैं, अच्छे ईंटे लेंगे और जो दादा चलेंगी वो लेंगे मजबूत वाले ईंटे। तो अभी मैं मोहम्मद असलम और अबू जो है जा रहे हैं देखने के लिए ईंटे, ने जो हमें ईंटे दिखाएंगे 3-4 किस्म की ईंटे हैं वो हम देखते हैं, और फिर जो पता करते हैं कौन सी अच्छी है, जो हमें अच्छी लगेगी और सही रेट होगा वही ले लेंगे। ये हाँ ये देखें, इसके अंदर जो सील पड़ी हुई है और जो और इसकी आग निकल रही है ना, इसके साथ जो ईंटें पकती हैं और मजबूत हैं। ये देखें ये ईंटें दिखा रहे हैं, ये ईंटें भी देख रहे हैं, सबसे वन नंबर, ये जो है सबसे वन, ये अच्छी है। और वो पड़ी हुई है अवल की छान, जो अवल से जो है थोड़ी सी नीचे होती है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ईंटें हैं और अच्छी है। तो अब देख रहे हैं ईंटें और मामूसलम भी चेक कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी ईंट लेनी है, अवल लेनी है, अवल की छान लेनी है,
या इनसे भी कम लेनी है, लेंगे तो अच्छी ईंट, बेकार नहीं लेंगे, अच्छी ईंट लेंगे जो ज़्यादा चलेगी, जो ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा टिकाऊ होगी। अब वो बात तो कर रहे हैं, देखते हैं। ईंटें जो हमने देख लिए हैं तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो घर जाके डिसाइड करेंगे कौन सी ईंटें लेनी है, बाकी ईंटें जो हम उठाएँगे अभी थोड़े दिनों तक। ईंटें तो हम देख के आ गए हैं, सजा सजा आए हैं, रोटी और सालन मेरे मामू सलाम घर से अपने घर के लिए खाना ले रहे हैं और अबू भी ले रहे हैं, पता नहीं क्या, तो जो देखा जाएगा। तो अभी इधर से ले रहे हैं सालन, तो रोटी और सालन ले लें, तो फिर जो है चलते हैं घर की तरफ, इधर से रोटी और सालन ले लें। अभी यहाँ पे आया मुर्गी वाला, बच्चे वाला, तो यहाँ से लेते हैं इनसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तो देखते हैं। मेरे भाई भी गए हुए हैं, सुहेल भी गए हुए हैं, तो यहाँ से लेते हैं बच्चे, इसके पास हैं काफ़ी बच्चे। काफी सारे मुर्गियाँ हैं, पूरा भरा हुआ है, 1000 रुपये किलो है। तो हेल ने उठाए हैं मुर्गे, सुहेल ये मुर्गे कहाँ लेके जा रहे हो? आपको पता, आपने बोला, मैंने पकड़ लिया मुर्गी हमारी, उसको दी है, तो ये मुर्गे हमने उससे लिए है और ये फिर बेचेंगे हमजा को। हमजा बड़ा शौकीन है ना, ठीक नहीं? ठीक है, हमजा को देते हैं। हमजा कब से मुझे बोल रहा था कि मुझे जो है ना चूजे लेके दो। आज हमजा बहुत खुश नजर आ रहा है और उसने पकड़ा हुआ है गुलेरी। हमजा इसको कैसे पकड़ा है तूने? ये अंदर आके दाने खा रहा था, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने आके दर बंद कर दिया। तो इसको खुला हुआ छोड़ा था ऐसे? ये कैसे खुला हुआ था? ये अच्छा, ये वाला खुला था, तो इसके अंदर दाने खा रहा था? दाने खा रहा था जी। अच्छा, तो फिर इसको रात को पका के खाओगे? नहीं नहीं, ये यहाँ पे सोएगा, इसमें मटकू, इसमें थोड़ी सोएगा जी। नहीं नहीं, इसको रात को पका के खाना, इसका टेस्टी होता है। नहीं नहीं तो इसको छोड़ दो, वो ना होगा, छोड़ दो छोड़ दो। और ये देखिए हमजा ने अब, और ये उसको समझ नहीं आ रही। जाओ जाओ इधर से, आओ इधर से। हाँ हो गया, शाम की चाय तैयार होके आ गई, बन के आ गया। एक कप है मेरा, एक कप है सुहेल का और एक कप है शानी का। हमजा आप पियोगे? नहीं। पियो यार? नहीं। नहीं पियोगे? सीरियस जी? पी के आए हो क्या? अच्छा, बहुत कड़क है। हाँ, चाय अच्छी है? अच्छी है चाय, पियोगे थोड़ी सी? और सुहेल इधर होमवर्क कर रहा है मेरे ख्याल। हमजा, सुहेल कह रहा है मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आप जो मेरे हिस्से की चाय पी जाओ। नहीं, सुहेल पीएगा। ठीक है सुहेल, पी जाए हमजा, हमजा पी जाओ, चांस है, मौका है आज। यार हमजा, बस तूने इस मौके से फायदा नहीं आया, तूने मौके पे छक्का नहीं मारा। अब वो भी लगा रहे हैं इन पिलरों को पानी, जो अभी न्यू तैयार हुए हैं। ये जो है पिलर पे पानी लगाने से ना, जो रेत जो है ना, तो ये जो पक जाती है, ज़्यादा टाइम ठहर जाती है, अगर पानी नहीं लगाना फिर ये जल्दी टूटना शुरू हो जाती है। क्या चीज़? ये क्या चीज़? ये रेत है ना, रेत सीमेंट है, सीमेंट सीमेंट। यार इसको समझाओ यार, सीमेंट है, हमने आता कि देखा नहीं है, सीमेंट और रेत में प्लस्तर खराब हो जाएगा ना, पानी नहीं लगाओ ना ये खराब होता है, पका नहीं करता। हाँ, ट्रेन जब इसकी नहीं हो ना, ये पका नहीं करता और ये गिर जाता है ना, इसलिए पानी लगाने से ज़्यादा टाइम ठहरता है, फिर मजबूत हो जाता है, इसलिए हफ्ता लगाए ना पानी, फिर ये बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ लेता है, 2-3 दिन तो लाभ लगाना पड़ेगा, जिससे इसकी मजबूती काफ़ी मजबूती करेगा, फिर इसकी जकड़ बहुत ज़्यादा होगी, वरना ये अगर फिर पानी नहीं लगाओ तो फिर ये किसी काम करेंगे। हाँ, ये फिर ऐसे 2-2.5 महीने में घिरना शुरू हो जाएगा। 2-2.5 महीने नहीं लगेगा, कच्चा रहेगा ना, फिर कच्चा रहेगा, मजबूती नहीं रहेगी। अच्छा, मजबूती नहीं आएगी, इससे मजबूत हो जाती है ना पानी से, पानी लगाने से मजबूत हो जाता है, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है न्यू प्लस्तर को। अभी जो है घी के अंदर प्याज डाल दिए गए हैं और देखें ये जो लाल होने के लिए मैंने छोड़ दिए, बाकी जो मसाले इधर रेडी है। आज चावल पकें फिर से हमारे घर में, तो चावल भी मैंने छोड़ दिए, चावल खा के गए, चावल की तरह पतले हो जाएंगे। पसंद नहीं है? कहाँ है, वैसे भी मैं पतला हो गया हूँ, खा के खुद पतला हो जाऊँगा। मेरी वाइफ ने चावल डाल दिए हैं, तो बस थोड़ी देर के बाद चावल हमारे बन जाएंगे। अब तो आप खुश हो, भट्ठे पे मैं गया, इंटू का पता करके आ गया, तो इंटे हैं तो बहुत महंगी, शुक्र है,
यानी कि 10,000 का 1,000 दे रहे हैं। 1,000? हाँ, इतना महंगे वाट बहुत लगेगी, तो देखते हैं। लेकिन आप खुश हो? बहुत, इट आ जाएगी तो फिर खुश हो जाऊंगी। आपका ख्वाब थोड़ा सा पूरा हो रहा है, पूरा तो नहीं होगा, इतने यानी कि इनकम नहीं है, बस जितना हो सकेगा हम काम करवाएंगे, ठीक है? कुछ आ जाएंगे, ये नहीं बोलना कि फिर आपकी डिमांडें नहीं बढ़ जाएं फिर उस टाइम कि ये करवाना है ये वो करवाना है, बस जितना हो सकेगा हम करवाएंगे। एक कमरा तो बन जाएगा। हाँ, एक कमरा बनवाएंगे, उसके बाद अगर अल्लाह ने तौफीक दी थी तो आगे किचन आपका जो भी होगा सामान वो बाद में करेंगे, पहले एक कमरा लाजमी बनाना है, क्योंकि मेहमान जब आते हैं ना बहुत परेशानी होती है ना, इतना परेशानी होती है, सोने की जगह नहीं होती। हाँ ये तो है, एक कमरा बन जाएगा। दुआ करो कि वो पूरा फैनल हो जाए। मैंने फैनल का महंगाई बहुत ज्यादा है, फैनल तो कर दो। ये तो फिर होगा ना, कितने में होता है, क्योंकि जैसे हम सुन रहे हैं ना, चलो अल्लाह तो फेंक दे। हाँ, जैसे हम सुन रहे हैं महंगाई का, तो फिर देखते हैं अल्लाह बेहतरी करेगा, ठीक है जी। तो आज हम गए थे भट्ठे पे ईंटों का पता करने, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता करके आ गए हैं। ईंटें हैं तो बहुत महंगी, लेकिन क्या करें, फिर सब्जियाँ कमरा बनवाना है, क्योंकि बहुत ही परेशानी होती है जब मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस वजह से परेशानी की डिमांड है कि जब से वहाँ ये तो एक ही कमरे में गुजार करें तो प्लीज़ एक कमरा बनाएं। तो इंशाल्लाह काम हम शुरू कर रहे हैं अपने घर का, तो देखते हैं कहाँ तक मेरा काम कंप्लीट होता है। तो ये मैं अपना ब्लॉग भी ऐड करता हूँ, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।